अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमने एक और 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम इन्वर्टर को उसकी पैकिंग से निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये नोवाटिक पावर का इन्वर्टर है, ड्यूल पीवी 6000 प्लस। आप देख सकते हैं 6000 से ऊपर इसके साथ सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं और ये ड्यूल आउटपुट के साथ आता है। तो मैं आपको इसका सैड स्टिकर भी दिखाऊं, ये देखें, इस पर इसकी टोटल डिटेल भी दी हुई है। तो दोस्तों, इस इन्वर्टर की सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि इसको आप दूसरे इन्वर्टरों के साथ पैरलर में लगा सकते हैं। तो इसके साथ हम लॉन्जी के 550 वाट के 6 सोलर पैनल लगाने लगे हैं। टीयर 1A ग्रेड डॉक्यूमेंट वाले ये पैनल हैं। 6 सोलर पैनल इनके घर पहले एक साल पहले लगे हुए थे। यहाँ पर एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगा था, तो अब इनका लोड बढ़ गया है, तो उस हिसाब से हमने इनको इन्वर्टर बड़ा लगा कर देने लगे हैं, क्योंकि अब इन्होंने इस पर 2 AC चलाने हैं। तो दोस्तों, ये इन्वर्टर जो है, ये जिस तरह आपने देखे हैं कि वर्ट्रॉनिक के जो दूसरे इन्वर्टर हैं, जैसे इनवरेक्स और सोलर मैक्स वगैरह, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ये कीमत में मुनासिब है और मियार क्वालिटी में उनके बराबर का है। इसको आप लगा सकते हैं और अपने घर का जितना भी लोड है 6 किलोवाट तक, वो इससे मुकम्मल ले सकते हैं। तो इसकी बड़ी LCD है, अभी इंस्टॉल कर रहे हैं और आप दोस्तों को ये इंस्टॉल करके सारी सेटिंग करके दिखाते हैं कि इसने हमें किस तरह की रीडिंग दी है और कितना लोड उठाया है। तो आप दोस्त हमारे साथ इस वीडियो में रहें। जी दोस्तों, सोलर पैनल हमने लगा दिए हैं और एक स्ट्रिंग इन सोलर पैनलों की बनाई है, जो अब हमने 6 लगाए हैं, और बाकी जो पहले के लगे हुए थे एक स्ट्रिंग उनकी बनाई है। तो इनको पैरेलल कर दिया है और अब जाकर नीचे इन्वर्टर के साथ लगाकर आप दोस्तों को रीडिंग दिखाते हैं कि क्या हमें जनरेशन हुई है। जी दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने किस तरह की रीडिंग दी है और इस पर कितना लोड अभी हमने डाला है और क्या जनरेशन हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड पर PV है, 257 वोल्ट आ रहे हैं, 200 देख रहे हैं, 258 आ रहे हैं और 13 अम्पेयर आ रहे हैं 11 अम्पेयर, क्योंकि जनरेशन कम ज़्यादा हो रही है। ऊपर बादल है, अभी मौसम आज क्लियर नहीं है, तो 2700 वाट नीचे लोड शोर करा रहा है। अब देखें 3400 वाट हो गया, 13408 अम्पेयर आ गए, तो जनरेशन कम ज़्यादा हो रही है। लोड जो हमारा इस पर चल रहा है, वो इस वक्त आप देखें, ये दरमियान में जो है ये लोड बता रहा है 2.3, यानी कि 2300 वाट लोड चल रहा है, 2.32, ठीक है। और ये नीचे फ्रीक्वेंसी है मेगाहर्ट्ज, और इस लेफ़्ट साइड पर ये देखें बाबडा भी आ रही है और नीचे बाबडा की फ्रीक्वेंसी भी आ रही है। और ऊपर देख लें 56.3 पर बैटरी है और उसके साथ बैटरी चार्जिंग देख लें 21 अम्पेयर पर हो रही है और 58 वोल्ट तक बैटरी चार्ज हो रही है और 56 पर इस वक्त बैटरी है। तो ये तमाम रीडिंगें जो हैं, जितनी भी हैं, वो एक साथ ही देता है। बहुत ही खूबसूरत इन्वर्टर है नोवाटेक, आप देख लें, ड्यूल PV 6000 प्लस नोवाटेक, प्योर वर्ट्रॉनिक का है, ठीक है, प्योर वर्ट्रॉनिक से बना हुआ है, जैसे इनवरेक्स वगैरह वर्ट्रॉनिक से हैं, ये भी वर्ट्रॉनिक से ही बना है। और ये इसकी तमाम जो है रीडिंग, वो सारी एक जगह पर एक मीटर पर ही आ रही है। तो बाबडा इस वक्त मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें DP बॉक्स है और ये देख लें बाबडा इस वक्त 0-0 है, बिल्कुल भी बाबडा ये नहीं ले रहा, बाबडा पर लोड नहीं है। सारा लोड जो है इस वक्त सोलर पैनलों पर चल रहा है। 6 सोलर पैनल हमने लगाए हैं इसके साथ 550 लॉन्जी के, और 6 सोलर पैनल लगे हैं 450 वाट के 6 के, ठीक है, वो एक साल पहले के हैं, ये अभी 6 पैनल नए लगाए हैं। तो पहले जहाँ पर 3 किलो वाट का सिस्टम लगा था, तो इनका लोड बढ़ गया है, इनके घर में 2 AC हैं, तो वो भी इन्होंने इस पर चलाने हैं, तो इसलिए इन्वर्टर चेंज किया और साथ में पैनल और ऐड किए। तो अभी 1 AC इस पर चलाया, अभी लोड बढ़ाएंगे तो मैं आपको फुल जनरेशन भी इसकी चेक कराऊंगा कि टोटल लोड जो है इस पर कितना हमने डाला है और जनरेशन कितनी हुई है। जी दोस्तों, अब हमने इस पर मज़ीद और लोड बढ़ाया है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोड बढ़ गया, दूसरा AC भी हमने ऑन कर दिया है। तो आप देखें राइट साइड पर PV के 222 वोल्ट आ रहे हैं,
और 18.5 एम्पेयर आ रहे हैं 18.5, और नीचे जो जनरेशन है वो हो रही है 4000 वाट। 4000 वाट जनरेशन हो रही है इस वक्त। हमने जो इस पर लोड डाला है, 2 AC हैं और घर में जो पंखे लाइटें हैं वो भी चल रहे हैं, तो ये टोटल इसने हमें जनरेशन दी है। आप देख लें वावडा 248 वोल्ट हैं, लेकिन अभी तक इसने वावडा नहीं उठाई। टोटल लोड जो है वो सारा सोलर पैनलों पर चल रहा है। तो जैसे इसके साथ सोलर पैनल बढ़ाएंगे और तो ये टोटल 6 किलोवाट तक सोलर से ले सकता है। तो जी दोस्तों, अब मैं आपको डीपी बॉक्स दिखाता हूँ कि डीपी बॉक्स में हमने क्या क्या चीज़ें लगाई। ये देखें 125 एम्पेयर का शनाइडर का ब्रेकर है जो बैटरी पर लगा है, बैटरियों पर, और उसके आगे 32 एम्पेयर पीवी पर लगा है, और उसके आगे वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस है मोरा की, और उसके आगे वावडा का ब्रेकर है ये जो इन्वर्टर को इन जा रही है, और ये इन्वर्टर की एक आउट है स्मार्ट लोड यानी कि सेकेंडरी लोड, और ये मेन लोड है, और ये 2 चेंज ओवर लगे हैं, एक सेकेंडरी पर लगा है और एक मेन लोड पर लगा है। तो ये मुकम्मल डीपी बॉक्स है इसका, और इसके साथ ये एक एम्पेयर मीटर लगा है वोल्ट और एम्पेयर, इससे जो घर में लोड चलेगा वो इससे शो होगा कि इस वक्त देखें आप 2.3 एम्पेयर लोड। तो प्यारे दोस्तों, अब ये सिस्टम जिनके घर लगाया है उस दोस्त से आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे भाई, ये जो सारा सिस्टम हमने आपके घर लगाया है, ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर, सोलर पैनल और ये सारी सेटिंग की है, क्या आपको हमारा काम पसंद आया? जी सर, हमें माशाल्लाह आपका काम बहुत पसंद आया, और हमारा जो है जैसा हमारा दिल था वैसा काम हुआ है, और बहुत दिल खुश हो गया आपका काम देखकर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हमें कोई अगर काम करवाना होगा तो इंशाल्लाह आपके पास आपकी खिदमत। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह भाई। तो प्यारे दोस्तों, हमने ये जो सिस्टम लगाया है आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ लगाया है। किसी दोस्त ने हमसे इस तरह का सोलर सिस्टम अपने घर में लगवाना है तो वो हमसे रابطہ कर सकता है। हमारा YouTube चैनल है हमजा इलेक्ट्रिक के नाम पर, और ऊपर स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है। तो किसी दोस्त ने किसी किस्म की कोई मालूमात लेनी है तो वो भी हमसे रابطہ कर सकता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे दोस्तों, मिलते हैं आगे किसी और सिस्टम के साथ।